रसोड़े में कौन था फेम गोपी बहू बिग बॉस में आएंगी नजर। साथ निभाना साथिया का हालिया वायरल वीडियो रसोड़े में कौन था कि ओरिजिनल गोपी बहू यानी कि जिया मानेक का बिग बॉस 14 में दिखेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया मानेक ने बिग बॉस 2020 में जाने का मन बना लिया है। हालिया वीडियो की लोकप्रियता को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने जिया को सेलेक्ट कर लिया है। खबर है कि जिया मानेक की तैयारी पूरी हो चुकी है इस रियलिटी शो का कंटेस्टेंट बनने के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 2020 के होस्ट सलमान खान शो का प्रीमियर एपिसोड 1 अक्टूबर को शूट करेंगे। बाकी 13 प्रतियोगियों के साथ जिया अपने मेडिकल टेस्ट और क्वारंटीन होने की सारी प्रक्रिया को पूरा करके मुंबई की फिल्म सिटी में शूट करेंगे। गुजरात के जिया मानेक ने अपने पहले सीरियल साथ निभाना साथिया से इंडस्ट्री में साल 2010 में एंट्री की थी। शो स्टार प्लस का बेहद ही चर्चित सीरियल बन गया और जिया मानेक बन गई सबकी चहेती गोपी बहू। एक भोली भाली बहू का किरदार जिया के मासूम चेहरे पर एकदम फिट बैठा और बहुत ही जल्द जिया को जबरदस्त कामयाबी मिली। लेकिन 2012 में एक फैसले ने उनकी जिंदगी पलट दी। गोपी बहू की कामयाबी के चलते उन्हें कलर्स चैनल ने मशहूर डांस शो झलक दिखला जा का न्योता दिया। जिया के लिए मौका था कुछ नया करने का, लेकिन यह बात शो के प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा और चैनल स्टार प्लस को बिल्कुल भी नागवार गुजरी। आखिर कैसे वो सबसे लोकप्रिय शो की एक्ट्रेस को एक कंपटीशन चैनल में देखते और शुरू हुआ जिया और उनके सीरियल साथिया की टीम के साथ विवाद, जिसका नतीजा था रातों रात जिया को रिप्लेस कर देवलीना भट्टाचार्य को बना दिया गया गोपी बहू। जिया को चैनल उनके फैसले से काफी धक्का लगा, फिर उन्होंने झलक दिखलाजा किया, लेकिन उसका उनके करियर में कोई फायदा नहीं हुआ। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।